राम है बुंदेली चुगली से, नीरज और हम हैं पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र में। विधानसभा चुनाव आ गए हैं, उल्टी गिनती वोटिंग की शुरू हो गई और अब डेट आवे वाली है कि बहुत जल्दी घोषणा भी हो जाए तारीख पे। तारीख आवे के पहले ही अब अलग अलग सूरमा महारथी मैदान में उतर गए, दावेदार भी आ गए हैं। यही कड़ी में हम पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र में जहाँ पे एक जानो पहचानो चेहरा है प्रमोद नादिया, नादिया गाँव के निवासी हैं और छोटे से गांव से लेके इन्हें एक बड़ो राजनीतिक सफर भी तय करो है। सरपंची भी इनके परिवार में है, पार्टी के बड़े बड़े दायित्व भी है और पिछले दो पंचवर्षीय से पृथ्वीपुर क्षेत्र से टिकट भी मांग रहे हैं। यादव समाज के स्थापित कद्दावर नेता भी है और जैसा कि इनके गांव का नाम है नादिया और नादिया शंकर जी को वाहन है और शंकर जी की इन पर विशेष कृपा है। अभय जी ओरछा से और कुंडेश्वर तक पद यात्रा कावड़ यात्रा निकाल के दो तीन दिन से निकल रही थी यात्रा, आज सोमवार के अभिषेक करके आए हैं और हमारे संगे बैठे हैं। बहुत लंबी समस्या है उपचुनाव को सामना पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र के करने और जो उम्मीदन के जो वादे हो दो दावे के संगे भाजपा ने जनता से अभिमत मांगो तो जनादेश मांगो तो जनता ने दो और उसके बाद उपचुनाव में शिशुपाल यादव उतर से विधायक बने। विडंबना है कि शिशुपाल यादव की रात भाई यादव समाज के वकीलन के मारो कुचरो जा रहा हूँ, फर्जी FIR दर्ज करी जा रही, विधानसभा में एक भी सवाल नहीं उठाया जा रहा है। ऐसे लग रहा हो कि प्रतिपुर विधानसभा क्षेत्र अब हर तरीके से विकास से भरपूर होगा। इन तमाम दावे वादन और लाने के बीच हम बात कर रहे हैं प्रमोद नादिया से और इस बार पार्टी को जो भरपूर चेहरा है, समर्थन चेहरा है, जनता से जुड़ो चेहरा है, उम्मीद जा भी क्षेत्रीय जनता के कई बार भारतीय जनता पार्टी इन्हें टिकट दे है और टिकट दे है तो इनके क्या मुद्दा हुई है, कौन से दावे कौन से वादे हुई हैं, इन तमाम विषय पे बात करने के लिए हम संगे बैठे हैं। बहुत बहुत स्वागत है बुंदेली चुगली में आपको। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद यादव की तरफ से, हमारे विधानसभा वासियों की तरफ से, हमारे जिला वासियों की तरफ से कि आप हमारे जिला में आ रहे हैं, हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रमोद नादिया जी हमारे संग है और इन्हें छोटे से रोजगार सहायक से अपनो राजनीतिक कैरियर का सामाजिक सेवा को कैरियर शुरू करो तो और रोजगार सहायक के हो तो इन्हें कभी जनता के बीच पैठ बना गई और फिर लोकप्रिय हो गए। और अच्छी बात यह है कि अब रोजगार सहायक संघ हो, सरपंच संघ हो या क्षेत्र की मछुआरा समिति यादव समाज को तो समर्थन है, सबके सब एक मांग चल रहा है कि अब प्रमोद नादी हमें चाहें, अब की वारी प्रमोद भैया की वारी, ऐसी होते नारे लग रहे हैं। प्रमोद भैया आप लगातार दो बार से आप चुनाव के लिए टिकट मांग रहे हैं, टिकट नहीं मिल रहा, बड़ा कलेजा लेके अब हर बार भाजपा के लिए काम करने लगा, इस बार भी आप फिर से फील्ड में हो और दावेदारन की लिस्ट में सबसे पहले नाम है, क्या लग रहा पार्टी टिकट दे है और दे है तो फिर आपको क्या स्टैंड रहे? बिल्कुल निश्चित रूप से पहले हम आपको बता दें कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी पार्टी के साथ साथ एक परिवार है और परिवार में हमारे बड़े बुजुर्ग पार्टी को शीर्ष नेतृत्व जो निर्णय लेत वो हम जैसे सब कार्यकर्ताओं को मान्य होत और हम लोग धरातल पर लगातार काम कर रहे हैं, कई सालन से कर रहे हैं और पिछली बार टिकट भी मांगो तो और इस बार भी जनता क्षेत्र की चिल्ले आ रही कह रही कि स्थानीय प्रत्याशी इस बार चाहें तो इस बार भी हमारा प्रयास है, हम तो सबके बीच में हैं, जनता की आवाज़ है, पार्टी के हजान आंखें हैं कान हैं, पार्टी नो बिल्कुल निश्चित रूप से जा रही, बाकी पार्टी को निर्णय साहबों पर ही है, पार्टी जो निर्णय है वो हमें स्वीकार है और सबको स्वीकार है और पार्टी अगर प्रमोद यादव को टिकट दे सब लोग प्रमोद यादव के साथ जी जान से लग जाएं या पार्टी जी अभी टिकट दे पूर्ण रूप से सब लोग पूरे कार्यकर्ता पूरे हमारे पदाधिकारी सब लोग निश्चित रूप से अच्छी मेहनत करें और अच्छे बहुमत के साथ पृथ्वीपुर और टीकमगढ़ जिला में निवाड़ी जिला में भारतीय जनता पार्टी की निवाड़ी टीकमगढ़ जिला में 5 की 5 सीटें जिताबे के लाने हम लोग जी जान लगा रहे हैं। प्रमोद भैया वो तो ठीक कह रहे हैं, लोकतंत्र में तो जनता की अदालत चलाते हैं, जनता की अदालत जो फैसला करा तो वह हर राजनीतिक दल के स्वीकार भी करने हो, बिल्कुल आपके जो पता है। अब कई बार पशुपेश की स्थिति हो जाती है, जनता कह रही प्रमोद नादिये चाहने और पार्टी कह रही कि हमें शिशुपाल चाहने, ऐसी स्थिति में जनता की बात मानी जाए कि पार्टी की बात मानी जाए? देखो जनता जनार्दन हो और पार्टी माँ है तो हम जैसे कार्यकर्ता तो यही चाहें के भगवान मतलब जनता के साथ साथ माँ रूपी पार्टी दोनों के आशीर्वाद से जनता के बीच में जाएं, जब माँ को आशीर्वाद लेकर जनता के बीच में जाएं तो जनता तो भगवान है तो निश्चित रूप से सफलता मिले और आसानी के साथ कमल खिले।
क्षेत्र की बात कर ले, आप लंबे समय से सक्रिय हो, गांव गांव में जात हो, मुख्य रूप से कौन सी ऐसी समस्याएं हैं गांव में के जिन पे काम हो वो जरूरी है? खासे कृषि वाले क्षेत्र है, पशुपालक वाला क्षेत्र है, लेकिन उद्योग धंधे तो पे नहीं है, रोजगार की एक बड़ी गंभीर समस्या है। जो उन बाद दावे के लेके पार्टी आपकी सत्ता में आई थी उपचुनाव में, उनके बाद परिस्थितियां बदली हैं, लोगों के आज लग रहा हो कि रोजगार नहीं है, धंधे नहीं है, सिंचाई के साधन विकसित नहीं हुए, कौन सी ऐसी समस्याएं हैं? नहीं, निश्चित रूप से हमारे समस्याएं हैं और उन्हीं समस्याओं को दूर करवे के लाने हम जैसे सब लोग लगे रहत, पार्टी भी प्रयास कर रही। आज जो समस्याएं हैं हमारे क्षेत्र में, शिक्षा की समस्या भी है पूरे क्षेत्र में, हम चाहते के बेहतर शिक्षा पूरे क्षेत्र में उपलब्ध हो, पृथ्वीपुर, दगौड़ा, जेरोन, मोहनगढ़ सब जगह बेहतर शिक्षा मिले और वहीं पर मिले। जैसे बाहर जाके तो बच्चा पढ़ रहा है, तो हम चाह रहे हैं कि हमारे बच्चन को कम से कम ग्रेजुएट करवे के लाने दगौड़ा से बाहर, दगौड़ा के क्षेत्रकन को ना जाने आए, मोहनगढ़ में तो कॉलेज चालू होगा, पृथ्वीपुर में है ही इंजीनियरिंग कॉलेज भी हो जाए। और जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है तो दगौड़ा में भी अस्पताल की ज़रूरत है, वह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, डॉक्टर भी अच्छे से नहीं बैठत, तो कम से कम दो डॉक्टर वहाँ बैठवें, 24 घंटा उपलब्ध रहें, जब उपलब्ध रहें तो जो भी अगर जैसे मैं तबीयत खराब है जी की जब पहुंच जाए तो वे समय से इलाज मिल जाए और जनता जी उचाऊ थे कि अगर हमें कोनू कष्ट आ जाए तो समय पे हमारा इलाज हो जाए, हमारे बच्चा जैसे बड़े हों उन्हें अच्छे स्कूल मिल जाए। तो हम चाहते सीएम राइज स्कूल भी दगौड़ा मोहनगढ़ में खुलें, कि सीएम राइज स्कूल तो शिक्षा के लाने नवाध्याय लिखो जाने, प्राइमेट स्कूलन को भी पछाड़ दे, वो की शुरुआत है समय के साथ आप देखते रहो। ई के साथ साथ हमारे तो समस्या है, किसान आदमी है तो किसान नन के लाने खेतन पे पानी की बड़ी समस्या है, वाटर लेवल दिन प्रतिदिन गरज जा रहा हूँ, अब वाटर लेवल गरज जा रहा हूँ तो पहले कुआ होते कुएं में हाँ सिंचाई के लाने कुआ खोदते, कुआ 50-50 फुट हो गए पानी नहीं निकल, फिर बोर होने लगे, अब बोर भी चौक लेने लगे, चौक के मतलब अक्टूबर नवंबर में पानी न कहत और दिसंबर जनवरी में भी हो जाए तो फसल सूख भी को डायरत। तो हम चाहूत के हमारे तय नहरन से पानी आ जाए और घर घर जल के साथ साथ खेत खेत जल भी पहुंच जाए, जब व्यवस्था निश्चित रूप से। हमारे बगल में जामनी नदी भी है, बांध सुजारा भी बंद हो, उसे भी नहर ले आवे को हम अपने दगौड़ा मोहनगढ़ जेरोन क्षेत्र पृथ्वीपुर क्षेत्र में प्रयास करें। इसके बाद सिंचाई के क्षेत्र के लाने कैनवे तो जैसी परियोजना आ रही, तो पृथ्वीपुर विधानसभा का वो तो बुंदेलखंड की तस्वीर और तकदीर किसानन की बदल रही, बस वह एक बार थोड़ा समय लगे, बड़ी योजना है, एक बार धरातल पर उतर जाए तो सिंचाई के लाने तो बुंदेलखंड को पूरा माला माल हो जाने। हम चाहू तो हमारे तय रेकवा समाज बड़ी संख्या में है, तो रेकवा समाजन को मुख्य काम मछली को है, तो उनके लाने तय ऐसी व्यवस्था हो जाए, उनके बच्चा पढ़ लिख जाए, पढ़े लिखे से कहा हो जाए, जैसे उनको मछली को व्यवसाय है, अब मछली उनने जल जैसे तालाब से पकड़ी और उतई आके ठेकेदार ले गए, तो ठेकेदार झांसी टीकमगढ़ ले जाए में भी जितने पैसा कमाऊ उतने कई हमारे साथी केवर समाज के और उनके पूरे पैदा करके निकाल के सब जितने रुपया उन्हें बचत उतने कई ठेकेदार को बचत। और अगर हमारे उन समाज के बच्चा पढ़ लिख जाए तो वह ठेकेदारी भी कर ले, एक पिकअप भी ले लें, एक गोदाम भी बना लें, चिलिंग प्लांट भी कहते भैया ठंडो करने एक दो दिन उतर रखबे के लाने। एक और हम चाहूत हम यादव समाज से आऊत और हमारे पूरे क्षेत्र में पशुपालन को बड़ा व्यवसाय है, बहुत आदमियों को जो डेली को खर्चा चल रहा हो वो निश्चित रूप से पशुपालन को, जैसे फसलें तो हमारे तो एक होते या दो होते तो 6 महीना में आओ ने, अब 6 महीना में आओ और इतने कैज हो जात घर कन पे, परिवार कन पे, क्षेत्र कन पे कैज हो जात, तो वो वही में चली जाता फसल। अब रूटीन के खर्चा के लाने तो वह भैंसें गैया हैं उनसे जो दूध घी होत, तो हम चाहूँ कि अगर चिलिंग प्लांट इधर लग जाए और दूध की खपत इतना ही हो जाए, अमूल सांची जैसी फैक्ट्री अगर हमारे जिला में लग जाए तो निश्चित रूप से पशुपालकन को तो भलो हो जाए, वही दूध के रेट जो आज 40-50 रुपया लीटर बिक रहा हो वो 70-100 रुपया लीटर इतना ही बिकन लगे, तो उनकी फायदा सीधी डबल हो जाए। तो हमारा जो भी भविष्य को लक्ष्य है कि निश्चित रूप से अपने साथियों के लाने एक दूध की फैक्ट्री भी ऐसी लगाई जाए जिससे उन्हें फ़ायदा हो, बहुत सारे सपने हैं, बहुत सारे लक्ष्य हैं और वे अपनी ज़िंदगी है कि अपने क्षेत्र कनखों सजावें संवारवें और उसी में दिन और रात लगे हैं। लेकिन प्रमोद भैया आपने बड़ी समस्या बताई, बहुत सारी समस्या है, लेकिन आपके जो वर्तमान विधायक है आपकी पार्टी के हैं उन्हें देख के लगा था कि इस क्षेत्र में कोई समस्या ही ना हो,
उनको जो एक रिपोर्ट कार्ड आ है और जो लिस्टें आई हैं कि किन विधायकों ने मोनी खोलो विधानसभा में क्वेश्चन नहीं लगा, सवाल नहीं लगा है, उमेश शिशुपाल को भी नाम है और कहूँ दिखाने नहीं है कि विधानसभा में जैसे जो छाती फाड़ के काव करते हैं कि हम तो लगन ये लगा दे भी और क्षेत्र को जो कर भी, तो एक तो सवाल उनने एक भी नहीं उठे क्षेत्र के विकास के लेके। और जब ऐसे हमें लग रहा है तो विकास हो चुको पूरा जरूरत नहीं समझी, और अगर नहीं हो आप जैसे कह रहे कई समस्या है तो फिर आपके विधायक कर कर रहे विधानसभा में? नहीं, विधायक जी पढ़े लिखे हैं, PhD कर रहे हैं और हमें जो पता नहीं है कि उन्होंने विधानसभा में क्वेश्चन लगाए कि नहीं लगाए, और अच्छे विधायक होवे के नाते हमें लगा था निश्चित रूप से उन्होंने अपनी क्षेत्र की समस्या के लाने विधानसभा क्वेश्चन लगाए हुए। बाकी अब जानकारी करके अब तो हमने ध्यान नहीं दो कि क्वेश्चन लगे कि नहीं लगे, और आप कह रहे हो जो तो हम निश्चित रूप से दिखवाएं, विधायक जी से भी पूछे आगे चल के अगर कोई समस्या रहे तो निश्चित रूप से विधानसभा में प्रश्न करें। नहीं प्रो भाई, एक और है, आपकी पार्टी जब उपचुनाव में तो बड़ा बाहुबल और सामंतवाद की बात भेजती, सामंतवाद के खिलाफ एक पिछड़ा वर्ग के और अच्छे पढ़े लिखे शिष्टाचार वाले व्यक्ति की हमें जिताओं है, लोगों ने भरोसा कर लो, विश्वास कर लो और विश्वास करके उन्हें जिताओ भी, लेकिन फिर वही सामंतवाद की स्थिति जो पहले कांग्रेस के कार्यकाल में जूझते आदमी वही भाजपा के कार्यकाल में हो सामंतवाद के कुरूप चेहरा हो कि आप यादव समाज के आपके विधायक यादव समाज के दो वकील ही कुछ अड्डा रही, FIR फर्जी दर्ज हो रही, लोग परेशान हैं, और जो उत्तर प्रदेश की चूंकि वे निवासी होते कि कार्यशैली आक्रामक दबंगई वाली, तो एक विधायक के रूप में आदि सोचो तो कि चलो भाजपा को अच्छे पढ़ो लिखो शांतशील स्वभाव को हमें ऐसा पालक मिल जाए कि इसके कम से कम विकास हो, नहीं हो और ही पढ़ो किलकिल तो ना हुई है लेकिन उससे ज़्यादा किलकिल हो रहा हूँ। अब आदमी कहते इससे अच्छे तो भैया बृजन सिंह राठौर उनकी पार्टी रहती, ई में आपका क्या हो? नहीं, निश्चित रूप से पिछले कुछ दिन पहले वकील साहब हाय गोविंद यादव जी हैं, उनके साथ असामाजिक तत्व हैं, उनने घटना करी जनपद के सामने, उनकी मारपीट करी, तो उस क्षेत्र को हम सबको दुख भाव और हर अच्छे आदमी को बुरा लगो हुए इस तरह से किसी की बेइज्जती करवे कि हम आज आपके बुंदेली चुगले के माध्यम से भी उनकी निंदा करत और हम लोगों ने उनको खुल के विरोध भी करो, समाज के नाते भी करो और क्षेत्र के नाते भी करो, और सड़कन पे भी आए और कलेक्टर SP को ज्ञापन भी दें और उन पर कार्रवाई भी करवाई, 323 325 की उन पर धारा लगी, और उन्हें संदेश भी दो कि भविष्य में अगर इस तरह की घटनाएं दोहराओ तो फिर हम लोग उसके परिणाम उनके लाने भी अच्छे नहीं हुए, क्योंकि हम लोग सामंतशाही को जड़ से उखाड़वे के लाने हमारी पार्टी को प्रयास है और हम लोगों को प्रयास है। तो आप निश्चित रूप से आगे आप निश्चिंत रहो कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना दोहराई जाए। विधायक बतासा जब ही रहे वे उन्हें कुछ बोलो नहीं है खोल के, और दूसरों के लिए तो जो के उनके संगे फोटो वायरल भाई के जो तो इनको खास छर्रा खास गुर्गा है, अगर सरपरस्ती विधायक की मिल जाए तो सामंतवाद कैसे खत्म होगी? दूसरी चीज शिशुपाल यादव ने ही पूरे मामला पर दबाव बनाओ कि कार्रवाई ना हो, तो सामाजिक रूप से ऐसा दबाव पर ऐसे पड़ो कि कार्रवाई होने आई, तो ऐसे में विधायक की भूमिका में भी सवाल खड़े हो रहे हैं, और जब ये सवाल खड़े होती है और चूंकि आपके क्षेत्र में जनता के बीच जाने तो क्या जवाब आपके पास रहे ऐसे मामले में? वो कहावत है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, तो अब उनकी मजबूरियां वही बताएंगे कि ऐसी क्या मजबूरियां रही, हमें पता नहीं, हम सब तो उम्मीद कर रहे थे कि वो आए और सच्चाई के साथ खड़े रहें, और निश्चित रूप से सबको समाज को और सबको लगत थी कि भई आए अब नहीं आए या का उनकी स्थिति हती कहते क्षेत्र में नहीं हते, तो अब भी बता सकत अपन का बता सकत, और हम तो चाहते सोशल मीडिया के माध्यम से भी वो घटना को विरोध करने चाहिए, तो अब अपन उनके लाने उनको जवाब भी दे सकत। बात सही है, लेकिन भाई सारा ना अंदाज में जवाब दे दो आपने, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, बहुत बढ़िया, कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी। प्रमोद भैया लगातार आप क्षेत्र में सक्रिय हो और आपकी आज जैसे कावड़ यात्रा बहुत भव्य दिव्य तरीके से निकली, 200 कार्यकर्ता को काफिला शुरू भाव ओरछा से शुरू हुई थी, 200 से शुरू भाव और कुंडेश्वर आया था 700-800 तक जो संख्या पहुंची, आपको विधानसभा क्षेत्र प्रतिपुर है, ओरछा है, वो एरिया टीकमगढ़ तक कहाँ है, राजनीतिक लाभ के लाने यात्रा आती है आपकी क्या कछु, और धार्मिक आपकी ऐसी कछु श्रद्धा भक्ति है? नहीं तो नेता तो जो खत के चुनाव आ गए नकारी और मई की मई सिरावन ने बब्बा डू डाले संगई डाले और निकल गए, आपकी यात्रा में देखा 3 दिन से चल रही है अनवरत, कौन फोकस नहीं, कौन दिखावा नहीं, कौन आवडंबर नहीं, कौन पाखंड नहीं, शांतिपूर्ण चला दो, कौन मीडियाबाजी नहीं, का धार्मिक यात्रा है और जब बिल्कुल राजनीतिक नहीं है,
दो ही जिलन में निवाड़ी और टीकमगढ़ के ऊ छोर से लेके ई छोर तक आउत, और हम लोग कई सालों से कर रहे हैं। इसमें कोई राजनीति बिल्कुल राजनीति से अछूती है। आपने देखो हो आपके किसी हमने ना पत्रकार को इसकी सूचना है, बढ़िया हम लोग आराम से शांति। मैंने पोस्टल हो रहा था। नहीं नहीं बिल्कुल 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 नहीं, धार्मिक यात्रा है और धार्मिक कई रूप से माता बेतवा जी को राम राजा की नंगी ओरछा से जल भर के और भगवान भोलेनाथ को अभिषेक करत, और इसमें चार दिन लगत, और जा यात्रा भी 20 तारीख को ओरछा से शाम के चालू भई थी, और आज अब 10 बजे भगवान भोलेनाथ को अभिषेक करके और ख़त्म हो गई। और इसको सिर्फ एक ही मकसद है कि क्षेत्र में सुख शांति आए, धन धान से हमारे पूरे क्षेत्रवासी परिपूर्ण रहें और सब लोग निरोगी रहें, भगवान सबको सुखी स्वस्थ रखे और सबको सद्बुद्धि देवे। प्रसिद्ध विधानसभा क्षेत्र में एक बार फिर से चुनाव आने वाले, बहुत सारी दावेदारी हुई हैं, अलग अलग पार्टी जाति का समीकरण हर हिसाब से, और शिशुपाल चूंकि विधायक पदेन तो उनकी हुई महत्वाकांक्षा हुई कि हम दोबारा 5 साल का विधायक बने। महंगाई की लगातार मार भी हो रही सरकार के खिलाफ, कांग्रेसी आक्रामक हो रही, मुखर हो रही, कई ऐसी घटनाएं हो रही कि जिसे भाजपा को चेहरा ऐसे बता रहा हो कि आदिवासी विरोधी है, ओबीसी विरोधी है, ऐसे विचार कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। आपके सामने ही मुश्किलें हैं कि मान चलो विधायक को टिकट कट गया तो आपके मिले तो पूरी पार्टी बिखर जाती, कहीं संग हमें देखोगे जी ये टिकट नहीं मिले वही बागी हो गया विरोध करने लगा। ऐसी स्थिति में अगर आपको पार्टी ने टिकट दे दी तो कैसे आप चुनौतीपूर्ण तरीके से नैया पाल लगाओ क्षेत्र में अपनी? देखो जो कह भी मैं कौन दोहराव नहीं, सबकी महत्वाकांक्षा रत, क्योंकि अपनो प्रजातांत्रिक देश है, प्रजातांत्रिक देश में जनता की सेवा कह भी के लाने जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत जो दायित्व हैं, जो पद हैं, जब पद मिले तो आप अच्छे से उनको निर्वहन कर लो। वो वैसे ही है जैसे पहले यज्ञ करते, अपना यज्ञ पूर्ण होतो पूरी आहूति होती, उसे जो ज्वन ध्वज निकलती ज्वाला निकलती और उसे जो ताकत मिलती वह उस संबंधित व्यक्ति में समाहित होती और उसे वो क्षेत्र को काम करत। तो और जो लोकतंत्र को हवन है, हाय विधानसभा में लगभग 2 लाख वोट रत, और 2 लाख वोट वोटर जब वोट डालत और जिए सबसे ज़्यादा वोट मिलत तो मतलब वह शक्ति की है देत, वह जनता की शक्ति है और जनता की से अपनी सेवा करें चाहे जिए वह शक्ति देत, वो शक्ति इनको उपयोग करके जनता की मदद करने को प्रयास करत रहत, और अगर कोई को दुरुपयोग करत तो जनता आंगलीदार खड़ो होवे लाख नहीं छोड़त। और बाकी आप तो आप सही कह रहे हैं, नहीं लेकिन इससे आपके मान लो टिकट मिल गए तो आप सबके मना ले पटा ले अपने पक्ष में, या जनता के जो आपसे जनता को समर्थन है जनता की मतलब कई बार ऐसा होता जनता चाहत प्रमोद ना दिया तो फिर जो नेता विरोध रहते सकड़ के आया तो बोले अब कहाँ विरोध में जाए, तो क्या स्थिति है क्षेत्र पर, आवाज़ उठ रही है आपके नाम के लेके, और अगर पार्टी निर्णय आपके पक्ष में ले लो तो कितनी अनुकूलता हुई है? नहीं बिल्कुल पूरी अनुकूलता रहे, विरोध को प्रश्न ही नहीं है हमारी पार्टी में, पार्टी को जो कार्यकर्ता है सबकी जय विचारधारा तो जिया टिकट मिलत पार्टी सबू के साथ खड़ी हत, बाकी जनता को निर्णय तो साहबू साहबा है और जनता को निर्णय तो सबको मानने आऊ तो जनता से बढ़ के को है, लोकतंत्र में जनता साहबू पर ही है, जनता ही राजा है, उन्हें सेवा की से कराओ ने वो निर्णय पार्टी भी मानत हम भी मानत, और जो जनता का निर्णय ना माने सो वो दूर हो जाए का कर ले, तो स्वाभाविक रूप से ना कोई से नाराजगी की बात आए ना कछुआ है ना मनावे की बात आए, हम तो सब एक परिवार है, हम पार्टी परिवार है। उपचुनाव हो तो शिवराज सिंह चौहान आए, कई वादे करे कई दावे करे, कितने पूरे भय कितने बचे रह गए, वो अगर नहीं पूरे हो रहे तो अगले चुनाव में फिर सामने होगी कि मम्मा कह गए थे मम्मा ने कछु नहीं करो, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें बची हैं या चल रही प्रक्रिया में? नहीं देखो आम घाट पर पुल की कही थी, पुल को काम लग गओ, जामनी नदी पे जीरोन के पास पुल की कही थी वो तो काम लग गओ, मोहनगढ़ के पास पुल स्वीकृत हो गओ, दगौड़ा में तहसील को काम आप देख लो लगू है। अच्छा। तो ऐसे नहीं है कि वादा पूरे नहीं, अगर मुख्यमंत्री जी ने कही और उन्हें हम लोगों ने याद दिलाए मान और याद दिलाए तो निश्चित रूप से वे काम हो रहे और चल रहे, और बाकी विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत प्रक्रिया है, विकास खत्म थोड़ी हो सकत के अब पूरा होगा। हमने आपको बताई कि जैसे पहले कच्चो रोड रख तो फिर वो में डामा डह जात तो 3 मीटर में, फिर वो चौड़ो करके अपन 6 मीटर को डबल कर लेते, आज जैसे हमारा दोगौड़ा टीकमगढ़ जो पीथीपुरवा पूरा जहाँ से टीकमगढ़ रोड है डबल है, पहले सिंगल है तो अब आदमी कहकर डबल की नहीं बनाओ हमारी सरकार ने बनवाओ, अब वह फुल लाइन की जरूरत है तो अब सरकार अब पहले डबल स्वीकृत होगा तो एक और फिर अब फुल लाइन के लाने तना कौर के भैया चलो अगर ऐसी आवश्यकता है तो फुल लाइन करवाएं दे तो झांसी से टीकमगढ़ तक जो भी फुल लाइन भाव जाए तो विकास तो जैसी आवश्यकता है वैसे ही काम हो रहा था। हाँ
काम होता रहता, लगाता है चलत रहता। आपके पार्टी टिकट दे रही, मांगते हो दे रही टिकट, जनता के बीच आपके जान है, ऐसे कौन सी आपके मुद्दा हुई है या विकास के वे चीजें जो आदिकाल के, हमारे तो मेडिकल कॉलेज, हमारे तो जो इन एक दो चार अच्छे खास मुद्दा होते, सबसे पहले हम जन समस्या को समाधान करें या हमारे जी बात आ रहे हैं, वो कौन सा एजेंडा है आपको? सबसे पहले तो हम आपको बताएं कि हम पीथीपो विधानसभा के एक छोटे से गांव नादिया में के साधारण किसान परिवार के थे भाई। हमारे गांव भी 2008 में सड़क आई, 2008 के पहले नादिया में पक्की सड़क नहीं होती। जब हम लोग पाँचवीं तक हमने अपने नादिया में रह कर पढ़ाई करी, बारहवीं तक हम 5 किलोमीटर दूर दगौड़ा है, हम होते आए पैदल आउते और सलत आउते, मतलब पानी में बरसात में नाले में पानी भर जाते तो दूर ऐसे चक्कर लगा के इतनी घास में पड़वे दगौड़ा तक आउत रहे। फिर हमने बीएससी गढ़ से टीकमगढ़ से करी, तो हम जैसे किसान परिवार में जन्मे उतना ही समस्याएं हल्के से दिख रहे, तो पूरे क्षेत्र को पूरा नक्शा अपने पूरे दिमाग में भरो। हम देख रहे हैं कि कैसे हमारे घर परिवार के मम्मी चाची हने 4-4 बजे उठ के घोसली करत भैंसन की करत रत, तो और उन्हें उतने अच्छे दाम नहीं मिल पाऊ तू के। जैसे हम लोगों की जो पहले पढ़ाई होती वो ही दूध भाव घी भाव, घी ही मैच के ट्यूशन की फीसें तो बचती, तो अगर उनके रेट जैसे दूध के रेट अच्छे मिले तो हमारे बाप मताई और प्रयास करते कि और अच्छे स्कूलों में पढ़ाऊते। हम लोगों की मतलब ऐसी हैसियत नहीं आती, उस समय प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ पाए, शासकीय स्कूल में, अगर दूध के रेट अच्छे होते तो निश्चित रूप से पढ़ते। तो हम चाहूँ के पशुपालन के क्षेत्र में एक बहुत ज़्यादा क्रांति की ज़रूरत है, तो चिलिंग प्लांट अगर हमारे जिला में बन जाए उसके लाने हम बिल्कुल पूरी कोशिश करें। अगर जनता मौका दे, पार्टी मौका दे, तो निश्चित रूप से 1 साल के अंदर टीकमगढ़ जिला में और प्लांट बनवावे को प्रयास करें। 200 केवट समाज के लाने जो मामा मछली पालन है, तो मछली पालन के लाने ऐसा कछु के उनके जो लड़कन की टीम बना के कि बेई मछलियन को पालें और बेई बेचें, बाहर जाके बेचें, तो बिचौलियन से, बिचौलियन से उन्हें मुक्त करवावे को प्रयास करें। अगर वे बिचौलियन से मुक्त हो गए तो निश्चित रूप से उनकी पैदावार भी अच्छी खासी हो जाए। और प्रयास करें कि एक हरपुरा नहर है हमारे दगौड़ा से बगल से निकल रही भमौरी तक जा रही, तो वह भी दगौड़ा के ताल में डाल के, तो इतने से जो हमारे इतना मझगुआ से आ रही, तो मझगुआ से नादिया है, बिगा है, दगौड़ा है, कुर्राई है, धामना है, मऊ बछौड़ा है, दगौड़ा है, दोर पूनोन है, इस क्षेत्र के लाने पूरा जीवनदाय नहीं हो जाए, देखो जिस क्षेत्र के जो तालाब भर जाए तो वह भी उतर आ जाए। दूसरी चीज कि वो बाकी जो क्षेत्र है उसमें नहर से खेत खेत तक पानी कैसे पहुँचे, तो उसके लाने जामनी नदी पर श्रृंखलाबद्ध तरीका से चेक डैम बनवावे को प्रयास करें। तो चेक डैम अकेले ही बने से हमारे तो जो वाटर लेवल है वो बढ़ जाए। जैसे हमारे जीरोन क्षेत्र में पानी की बहुत समस्या है होते हुए घर घर, तो जीरोन में जामनी नदी से आके होते पानी होते पूरे क्षेत्र में आ जाए तो होते भी समस्या हल हो जाए। तो यही सब अपने लक्ष्य हैं, यही हैं कि गरीब नन के लाने और जो ऐसे वहाँ मोड़ी मोड़ा पढ़ लिख जाएँ, पढ़ लिखवे के बाद पढ़ाई लिखाई तो करवा दी बाप मताई ने, अब यही सपने के साथ कैद के हमारे लायक कहूँ नौकरी करे, काम करे, काम करे तो हमारा जीवन खुशहाल बने। तो नंबर नौकरी नहीं मिल पाई तो क्षेत्र में कौन ऐसी छोटी छोटी या बड़ी फैक्ट्री लग जाए, फैक्ट्री लग जाए जिनमें 50-50, 60-70 मजदूर वे लड़का काम करने लगे, उसमें जो कछु मजदूर कहें चाहे भी मजदूर आ जाए, 10-15 उसमें अधिकारी बन जा, सब बन जा, पूरी एक टीम काम करत रह, तो उन्हें तो रोजगार मिल जाए। हमारे कहबे को मतलब जब रोजगार मिल जाए तो जिनके पास और व्यवसाय नहीं है तो फैक्ट्रियन में काम करत रहे, तो बहुत काम करवे की जरूरत है और बहुत सपनों है। और अगर जनता मौका दे थे तो निश्चित रूप से अगली बार जब अपन 5 साल बाद मिले तो क्षेत्र की स्थिति अलग मिले, और जो अपन ने वादे करें उनके लाने दिनों रात प्रयास करें 24 घंटा। अब भी जैसे विधायक बने नहीं बने, अब विधायक नहीं है लेकिन दिन रात काम तो बेहू है, अब बिना ताकत को है, अब अपन को जैसे जा के काम करवाने आउत तो वैसे कम काम हो पाऊत। अगर विधायक बन जाए तो बेहू काम फोन पे फोन लगने, अधिकारियों से अपन फोन पे भी कह लें, और बिना विधायक बने जी कुछ बड़े बड़े काम जैसे नहर चाहने, फैक्ट्री चाहने, जी सब चीजें चाहने, तो बिना हमने प्रयास भी करो तो बिना विधायक बने हमें लगत के संभव नहीं लगत, तो उसके लाने एक दायित्व तो मिले, एक संवैधानिक पद पर रहें तो लड़ भड़ के निश्चित रूप से, क्योंकि हमने क्षेत्र को बहुत दायित्व देखो है, हम उतई भाईपजी हैं वही क्षेत्र के आए, तो हम चाहूत के जो हमने कष्ट झेले वो हमारे चल के आंगेबाड़ी हमारे क्षेत्र की पीढ़ी ना देखे। और हम जैसे आज किस्मत बाए हैं, हमारे माँ बाप की
सहयोग से, उन्होंने हमें बेहतर शिक्षा दी, अच्छो माहौल दाओ। आज हम उस समय हम पढ़ लिख के हमने गणित से बीएससी करी। बीएससी करवे के बाद पिताजी के संगे पिताजी सरपंच रहते आते, हमारी मम्मी भी सरपंच रही, अब हमारे छोटे भैया भी सरपंच हैं। तो पिताजी के संगे हम जनपद वनपद में चले जाते मोटरसाइकिल चला के। तो गांव के आदमी कन लगते के भाई साहब हमारा जो जैसे पेंशन को जो करवा दीजो, सब होते ही गए। सो पिताजी ने होते उनकी पेंशन बनवा दी, पेंशन बनवा दी तो उतरे आदेश मिला। सो उन्हें आदेश दे दो बहू तुम्हारी जो पेंशन बन गई। तो अब जैसे बूढ़ी अम्मा अभी बैठी, उनके चेहरा पर जो खुशी झलकत और फिर भी अपन को आशीर्वाद दे कि बेटा भगवान तुम्हें भलो करे, तो उस चीज से लगी कि जो इसमें तो बड़ा सुकून है, एक आत्म संतुष्टि है। तो हमने वही सोची, फिर सब जने क्षेत्र में करने लगे कि चलो भाई साहब जो विधानसभा की देख लो, बीच में कहा होगा कि घर के कत्ते नौकरी कर लो। सो रोजगार सहायक की गांव में जगह आई, सो फार्म डाल लो तो पेशेंट बेस पे होने तू तो कहीं तुमसे ज्यादा कोकी नहीं है तो तुम ही कर लो। तो 5-6 साल बाद नौकरी भी कर ली। अब उनको फायदा जो है कि पूरा जो रोजगार सहायक सह सचिव बोला तो सह सचिव संगठन है पूरे मध्य प्रदेश को, तो बेबी चौथ के एक हमारा साथी अगर आगे आउत तो पूरे मध्य प्रदेश में वे लोग सब खुशी हुज सहयोग करें, सचिव संगठन भी सहयोग करें। हमारे तो सरपंच रहे हैं घर परिवार में अभी भी हैं, तो सरपंच पुराने सरपंच इनके संगठन भी चाहें कि हमारे बीच को एक साथी चल के अगर विधानसभा में जा रहा हमारी आवाज बन के जनता की आवाज बन के, तो उन सबको भी खुशी हुज संतुष्टि हुज। तो वे सब लोग भी चाहूत, हम यादव समाज के जिलाध्यक्ष हैं वर्तमान में, तो हम जो यादव समाज के कहे पार्टी जब रोजगार सहायक बन गए थे तो पार्टी के कोनो दायित्व तो ले नहीं सकते, तो फिर सामाजिक दायित्व था। तो सब जन ने कही भैया समझो सामाजिक दायित्व निभाओ। तो समाज के अध्यक्ष होवे के नाते 3-4 साल से यादव समाज के अध्यक्ष हैं, तो वो को नहन कर रहे तो यादव समाज पिछड़ा वर्ग की जाती है, तो पिछड़ा वर्ग भी पूरा चाहूत। भारतीय जनता पार्टी में पिछड़ा वर्ग मोर्चा में प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं और निवाड़ी जिला के प्रभारी भी हैं, तो उस नाते मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग भी चाहे कि हमारे बीच को आदमी हमारे कम से कम ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र को नेतृत्व कर रहे हैं। तो यही सब बातें हैं। भैया महंगाई बड़ा मुद्दा कांग्रेस बना रही, भाजपा वाले कह रहे हैं कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं होती, सोचिए महंगाई की बात कर रहे हैं। कैसे महंगाई तो हर साल बढ़ सकते, पेट्रोल के दाम 4 गुने हो गए, टमाटर इतना लाल हो गया, आदमी को माई को लाल खरीदने वाला नहीं मिल रहा, तो कैसे एक जो भी मुद्दा तो जनता को इसके सवाल भी पैदा हुई है। अगर जनता ना भी करे तो कांग्रेस वाले कहते हैं उसकार दे, तो वकीला ने कहा जवाब है कि महंगाई जो बढ़ रही लगातार का स्थिति है, कब तक नियंत्रण हो जाएगी। अब कांग्रेस की बात तो ना करो तो अच्छी है, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा ही नहीं है आज की तारीख में। चुनाव काय पे होते विकास पे, अब भी विकास की बात तो कर नहीं पा रहे, इसे नहीं कह पाए कि उनकी चर्चा करे तो आदमी कहते तुलना कर ली तो तुमने क्या करो। तो इंदिरा आवास आउते पहले एक गाँव में एक आउत तू और वो भी बना तो नहीं है तू। एक बार हमने सुनी दिग्विजय सिंह के आए थे खेतगाड़ी को बुला के के भैया तुम्हारे आवास गाँव तो सो उको का भाव है तो बनो ही नहीं है। सो हितगा हाथ जोड़ के खड़ा होगा, बोले नहीं सही सही बताओ, बोले साहब सही सही बताए, बोले बता दो अच्छा आज सही। सो बोले आधे पैसा तो अधिकाई खा गए उन्हीं के सामने। सो बोले हम मानत के आधे अधिकाई खा गए आधे, बोले फिर आधे हम खा गए। आज आप प्रधानमंत्री आवास को के नाव पे तो नहीं है, प्रधानमंत्री पदे नाव नाव प्रधानमंत्री एक एक गाँव में 5-5, 7-7 सौ आवास बन गए और फर्जी तो नहीं बन गए, ओरिजिनल बन गए। आज आप देखो पहले हमारी माताएं बहनें आंखें फूट जाती, असुआ गहते नकज्जा पर रोटी बना बना के अपन को रोटी पैसा रहती हमारी माताएं और असुआ ग्रहत रहते धुआं लगत। तो आज सिलेंडर की ने पहुंचाओ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, पहले सिलेंडर विधायक मंत्री इनकी सिफारिशन पर मिलते, आज सब जगह घर घर जाके पहुंचा दे सिलेंडर। इस अब कांग्रेस के पास का मुद्दा उन्होंने कि टमाटर महंगा होगा, अरे टमाटर सीजनल सब्जी है, अगर टमाटर की फसल सड़ गई स्वाभाविक है कि महंगी हो जाए। पेट्रोल कहाँ से 4 गुना होगा, काजे 20 रुपये लीटर छोड़ के गए थे का हैं, इनने तो 10 साल में 20 रुपये से 60 रुपये कह दो, तो आज तो 10 साल में 60 से 120 नहीं भाव, तो इनको तो 4 गुना 700 होगा तो, लेकिन अब 2 गुना ही नहीं भाव। महंगाई एक चीज़ है कि हर साल थोड़ी थोड़ी तो बढ़ती ही हो, स्वाभाविक है कि बढ़े, उनको हमें सामना करने आउत। और भाजपा सरकार तो इतनी योजनाएं ले आउत के आम आदमी गरीब आदमी दलित आदमी पिछड़े आदमी उन्हें तो गरीबी को पता ही नहीं पड़ता।
किसान उनके लाने इनने कहूँ चिंता करी कांग्रेस करने। आज हमारी सरकार किसान सम्मान निधि लेके आई और मध्य प्रदेश सरकार उनसे पछाई तो नहीं रहता। मोदी जी 6,000 दे रहे, मध्य प्रदेश सरकार 4,000 देती, 2,000 और बढ़ा दें, मतलब 12 महीना में 12,000। तो कांग्रेस तो क्या करती, कांग्रेस लाओ गरीबी हटाओ, तो गरीबी हटा दा उनने, गरीबी कहाँ से हटी। अच्छा। अगर उनने अपने 60 साल के राज में गरीबी हटाई होती तो आज हमारे देश की जादोदशा ना होती, हमारे विधानसभा की जादोदशा ना होती। हटाई पूरी गरीबी निपटा दे, चिल्लाते रहो गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ, गरीबी कहाँ हटी। गरीबी तो भाजपा ने हटाई, आदमन को पक्के मकान दे, उन्हें सिलेंडर दे, उनके गांव तक पक्की सड़क दई, और पक्की सड़क के अलावा जितने दूर उनको घर है उतने सीसी रोड दो। ये गरीबी हटाओ बोलत के, उनकी गरीबी हटाओ बोलत। आप बताओ, अब बहनन की चिंता भाई हमारे मुख्यमंत्री जी को तो 125,000 हमारी माताएं बहनन को 1,000 को महीना चालू करो जी को, मीटर चालू होगा मतलब 250-250 बढ़ बढ़ के जैसे ही व्यवस्था होता रहना, सो 3,000 हो जाने, सोच सका 3,000 की तो नौकरी नहीं होत। तो 2,000 को महीना बैनन को, 1,000 बैनन को, 1,000 भंजन को, तो लगभग लगभग है घर में लही रहे। बाकी योजनाएं खाद्यान्न है सब है का नहीं है, बेटियाँ पैदा हो तो लाडली लक्ष्मी का योजना नहीं है। हमारी बेटियाँ जो टॉप कर रही उन्हें स्कूटी मिल रही, 75% से ज़्यादा हमारा बेटा बेटी आ रहे उनके लाने लैपटॉप मिल रहा, और उच्च शिक्षा के लाने आदमी पढ़ा पाउते, पहले डॉक्टर इंजीनियर बना पाउते। आज सरकार पूरा पैसा दे रही, आदमन को पता ही नहीं पड़ रहा कि 10-10 लाख एक एक आदमी के लाने, एक एक लाख एक एक बिटिया के लाने सरकार भर रही। इसे गरीबी हटत, एक गरीब की लायक लायक इंजीनियर बन रहा, गरीब की बिटिया डॉक्टर बन रही, उनके दिल से पूछो वो कितनी खुशी हो। ऐसे ही नहीं भाजा पा आ जात तो भाजपा मरे जा रहा है सत्ता के लाने, कि कब सरकार आ जाए। ना उनके पास नेता है ना नियता है, देख रहे नीति तो है ही नहीं है। नीति तो उनके प्रधानमंत्री जी पहले ही करते कि हम 1 रुपया पहुंचाऊ और 15 पैसा पहुंचा था। अब आज अगर 99 पैसा 1 में पहुंचा तो हम उन्होंने बखेड़ा खड़ा कह देते कि 1 पैसा कहूंगा, वो भी नहीं जानने, सीधे खाते में जा रहा हूँ, सीधे खाते खुले, सीधे खाते में पैसा, आपके खाते में आप काटो, बिचौलियन से मुक्त हो, अपना फिंगर लगने। कितनी अच्छी व्यवस्था बनवा दे, कल्पना करते जो लोग 100 साल रहते तो अभी जब व्यवस्था नहीं बनवा पाते जी, लेकिन क्या नहीं बनवा पाते जी, चाहते ही नहीं हते। अब हम मोदी जी को अपने प्रधानमंत्री जी को सुन रहे थे, भोपाल आए थे, वे कह रहे थे कि जैसे अपन का करें, आदमी को कैसे समझाएं कि कांग्रेस में अब जक्का अंतर है। एक जन ने प्रश्न करो तो उनको सीधो जैसे मोबाइल है, हर हाथ में मोबाइल है। 2014 के पहले 1 GB डाटा के देखो तो 200 से 300 को आउट तो जेब कटती, और कल लगाते हुए कंपनी में बात हो रही। अपन को 1 GB के पैसा कितने ले रहे थे, 200 से 300 रुपए, जाओ कंपनी कर लाते बर्बाद हो रही। अपन महीना भर में 20 GB यूज करो तो 6,000 हो, आज 200 रुपए में अनलिमिटेड है, कंपनी भी माला माल और अपन भी माला माल, तो अपने सीधे 5,000 बच गए कि नहीं, लगभग लगभग मोटे मोटे। एक आदमी के हर परिवार में जो मोबाइल चला रहा हूँ और 20 GB डाटा खर्च कर रहा हूँ, तो पहले तुझे दूसरी चीज उन्हें 6,000 ना होने थे ना उतने खर्च पर, तो आज वो पूरी दुनिया कर लो दुनिया मुट्ठी में आबा है, उसको कोई पैसा नहीं लग रहा। आज वो अमेरिका बात कर रहा हूँ बैठे बैठे फ्री में, बस 250 एक बार रिचार्ज कराओ, पहले इनको 1 GB डाटा में सब हो जाता। तो जे योजनाएं लेके आई, पहले इन पे कोई ध्यान नहीं रह जाता, तो पहले तो होते अपनी फिक्स होती के कैसो का करने। तो भैया जे है हमारे संग प्रमोद नादिया, आत्मविश्वास से भरे, और कांग्रेस के लाने तो भैया ठक्का ठाई है इनके पास, और हर सवाल को जवाब भी है। भाजपा के लाने मजबूत विकल्प है, और जो एक बड़ा मुद्दा है पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय बाहरी को, कांग्रेसी मामले गुमराह भी कर देते अरे बाहरी पिछले चुनाव में बाहरी वाहरी चले जाता है, लेकिन बोले अब बाहरी ले लो, अब जो स्थानीय आगो जी की जड़ जड़े गाँव से जमी है, गांव में है जमीनी है, जातिवादी अनुपात आंकड़े में भी संतुलित नाम है, और हमें लगा जितने भी सवाल कांग्रेस वाले उठाए भाजपा में उनके लाने संपूर्ण परिपूर्ण विकल्प के रूप में प्रमोद नादिया पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के लाने मजबूत दावेदार और मजबूत प्रत्याशी के रूप में भाजपा के पास एक त्रुप को इक्का है। अब भाजपा को सर्वे नीति और रणनीति जो भी अनुकूलता समझे तो इनके नाम पर विचार भी करो जे, लेकिन इनको क्या बोलो कि हम आज नहीं है तो भी जनता के लाने, कल रहे हैं तो और भी अच्छे से करें, और परसों अगर पार्टी ने टिकट दो नहीं दो तो भी हम पार्टी के लाने काम करते रहे और जनादेश को पालन करें। आपको बहुत तो धन्यवाद, आपने समय दो,
जयराम जी की। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।